नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के हालातों को देखते हुए आज 11 बजे यानी कि कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम शामिल होंगे, जिसमें राज्य में मौजूदा हालातों के बारे में पीएम बात करने वाले हैं। ये तमाम सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम के साथ बैठक में शरीक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक बार फिर से सौगात देने आ रहे हैं। 15 जुलाई को वाराणसी पहुंच रहे पीएम 1500 करोड़ से ज्यादा होंगे। करीबन सवा घंटे के कार्यक्रम में पीएम मोदी रुद्राक्ष की खूबियों से भी परिचित होने वाले हैं और आपको सामने पार्क में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दो दिन पहले यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में दोपहर पहुंच सकते हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दो घंटे मुख्यमंत्री यहां पर रहेंगे। निरीक्षण के बाद पीएम के कार्यक्रम पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें मुख्यमंत्री लगभग दो घंटे तक वाराणसी में रहने वाले हैं, उसके बाद गोरखपुर का रुख करेंगे। पंजाब के उद्यमियों को योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऑफर दिया है और उनको वाजिब दर पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने सहित सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया है। योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने पर बेहतरीन सुविधाएं, सिंगल विंडो क्लियरेंस और बिजली की बिना रुकावट सप्लाई के साथ कम सरकारी खर्चों का खाका दिया है और अपने राज्य में निवेश का न्योता भी दिया है। आपको बता दें कि पंजाब के उद्योगपतियों की सोमवार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ बैठक भी हुई। यूपी के सुल्तानपुर और सीतापुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण तलाशे जाएं। उन्होंने दोनों जिलों में विशेषज्ञ चिकित्सक भेजने और पूरी स्थिति की रिपोर्ट तलब की है और कहा कि संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी लेकर इनके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग भी की जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड संक्रमण से बचाव एवं उपचार के लिए व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुविधाजनक ढंग से किया जाए, स्थिति की पूरी रिपोर्ट तैयार हो। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और सीधे जनता से बात करी। उन्होंने कहा कि अब आगामी जो चुनाव होंगे उसमें सीधे जनता ही निर्णय करेगी, जनता ही चुनाव करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तो नहीं बल्कि इशारों में इस बात का सीधा संकेत जरूर दिया कि उन्होंने कहा कि इस चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग से स्थितियां काफी खराब हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में इसी दिशा में काम किया जा रहा है, इसके लिए इस बार भी हमने कोशिश जरूर की थी लेकिन काफी देर हो गई थी। आजम खान को आज वापस सीतापुर जेल भेजा जा सकता है, जिसके लिए 11 बजे के आसपास सीतापुर पुलिस मेदांता हॉस्पिटल पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को वापस सीतापुर जेल भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि 9 मई को कोरोना संक्रमित आजम खान को सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। तो सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। राजभर ने कहा कि वो 17 जुलाई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। राजभर ने बताया कि उनकी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद पहल करते हुए केजरीवाल से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल ने मुलाकात के लिए 17 जुलाई का समय निर्धारित किया है। सुहेलदेव राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर के भी प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हुई है। तो वहीं बातचीत के परिणामों को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक स्तर की बातचीत है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? 17 जुलाई को मुलाकात हो सकती है?
ओपी राजभर और मुख्यमंत्री केजरीवाल की? देखिए बिल्कुल, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो है दिल्ली आएंगे और दिल्ली दौरे के दौरान कई पार्टियों से जो मुलाकातें हैं वो जो है ओम प्रकाश राजभर करते हुए नजर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में जानकारी आ रही है कि 17 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जो है आज संपर्क जो है किया जा सकता है, बैठक की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाने की जो तैयारी है वो ओम प्रकाश राजभर जो है कहीं ना कहीं अब करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और खबरें यहां तक की हैं कि एसपी से भी बातचीत चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। तो ऐसे में ये जो मोर्चा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रही है वो कितना जो है सरे चढ़ते हुए नजर आएगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज है और आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 17 तारीख को, 17 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात के अपने आप में बहुत सारे मायने हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी संजय सिंह से ओपी राजभर की मुलाकात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये शिष्टाचार भेंट है और इत्तेफाक है, इस मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको तूल दिया जाए। लेकिन अब जब दिल्ली जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर केजरीवाल से मुलाकात भी करेंगे, उन्होंने ये भी कह दिया इनिशियल स्टेज की बातचीत हुई है, गठबंधन पर विचार करने को मैंने कहा है। फिलहाल अभी चूंकि इनिशियल स्टेज की बातचीत है तो कहना कुछ ज्यादा ठीक नहीं होगा। समाजवादी पार्टी अब बदले हुए तेवर रणनीति के मुद्दों के साथ 15 जुलाई को प्रदेश भर में तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाली है। पार्टी अब पंचायत चुनाव में धांधली के अलावा भ्रष्टाचार पर रोक, किसानों को राहत और दलितों पर अत्याचार रोकने और ओबीसी आरक्षण में कटौती की मांग जैसे मुद्दे उठाएगी। यही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता अब राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन अपने अपने जिलों से डीएम और अन्य अधिकारियों को सौंपने वाले हैं। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारी के साथ प्रदर्शन करने को कहा है। तो वहीं प्रदेश में हेल्थ एटीएम लगाने की कवायद तेज हो गई। इसमें ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, शुगर, बीएमआई, वजन, पल्स रेट समेत 59 ऐसी जांचें हैं जो तुरंत हो सकती हैं। सभी जांच मुफ्त में की जाएंगी। हेल्थ एटीएम को टेली कंसल्टेशन और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तकनीक से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि चिकित्सक टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से सीधे हेल्थ एटीएम से जुड़े होंगे। जांच कराने वाले लोगों को चिकित्सक सलाह भी देंगे। हेल्थ एटीएम में ओपीडी जैसी सुविधा मिलने वाली है और चिकित्सक बीमारी के हिसाब से डाइट चार्ट, मेंटल स्ट्रेस कम करने के तरीके भी बताएंगे। तो बेहद खास होने वाला है ये हेल्थ एटीएम, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार कहा जा रहा है कि सिविल हॉस्पिटल में सबसे पहले इसे रखा जाएगा और लोगों के लिए, ताकि लोग इसका लाभ ले सके। आतंकी संगठन अलकायदा अंसार गजवात उल हिंद से जुड़ा आतंकी मिनहाज अहमद भी लखनऊ में इस मॉड्यूल का सबसे सक्रिय सदस्य था। आतंकवाद निरोधक दस्ते की शुरुआती छानबीन में सामने आया कि मिनहाज करीबन 1.5 साल पहले टेलीग्राम ऐप के जरिए अलकायदा के हैंडलरों के संपर्क में आया था और उसके बाद उसके तार जम्मू कश्मीर समेत कुछ अन्य राज्यों में सक्रिय युवाओं से जुड़ गए। एटीएस को यह भी आशंका है कि मिनाज और उसके साथी यहां एक नया मॉड्यूल भी तैयार कर चुके हैं। हालांकि लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आतंकी मिनाज और मसीरुद्दीन से जुड़े कई सारे सवाल अब भी पहेली बने हुए हैं। एटीएस के रिमांड का आज पहला दिन है और एटीएस ने पूछताछ भी शुरू कर दी और इस पूछताछ में खुलासे भी होने लगे हैं और वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द इन तमाम नेटवर्क्स का खुलासा हो जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, एटीएस की पूछताछ का आज पहला दिन, रिमांड पर है मिनाज भी और दूसरा आतंकी भी, ऐसे में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये कि टेलीग्राम एप्लीकेशन के जरिए हैंडलर्स के संपर्क में आया मिनाज और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक था। अब बिल्कुल पूजा, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से एटीएस ने लगातार उनसे पूछताछ की है, कल कोर्ट में पेश किया गया था और आज से उसकी जो दोनों आज संदिग्ध आतंकी महनाज की बात करें या मिसारुद्दीन की बात करें, दोनों ही आज एटीएस को सौंप दिए जाएंगे। क्योंकि कल जो एटीएस की रिमांड जो अर्जी डाली थी वो आज से शुरू हो रही, जाहिर सी बात है कल वो जेल चले गए थे, आज 10 बजे के बाद उनको
एटीएस को सौंपा जाएगा। उसके बाद चूंकि बहुत सारे पहलू ऐसे जिस पर जांच होना, उनसे पूछताछ करना बाकी है, शुरुआती दौर में दोनों जो संदिग्ध आतंकी हैं उनके अकाउंट खंगाले गए थे, उसमें कुछ बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए थे कि आखिर इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, किस तरीके से इनको जो रुपया था वो मुहैया कराया जा रहा था, इनके जो नजदीकी हैं उनको उनके बैंक अकाउंट के खंगालने की बात जिस तरीके से आ रही, एटीएस लगातार उनके एक्टिविटी पर या उनके रिश्तेदार या करीबी या फिर जो साथी इनके फरार हैं, सबसे बड़ा जो अहम उनके एटीएस के सामने या फिर एनआईए या फिर जांच एजेंसियों के सामने चुनौती है कि उनके जो फरार जो साथी उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, और साथ ही साथ इनकी जो फंडिंग के साथ साथ ये जो प्रेशर कुकर बम है या फिर जो हथियार की बात आ रही कानपुर से खरीदा गया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि क्यों कानपुर से खरीदा गया था या फिर कानपुर के जो बिल्डर्स की जो बात आई वो इसको फंडिंग मुहैया करा रहे थे, तमाम चीजें अभी पहलुओं पर जांच बाकी है पूजा, पूछताछ के बाद सामने आएगा कि असली जो मामला क्या था और किस तरीके से ये लोग, इनकी योजनाएं क्या थी और इनके साथी और कौन कौन से हैं। बिल्कुल, अभी इतने खुलासे हुए हैं, अभी तो 14 दिन की रिमांड बाकी है, आज तो सिर्फ और सिर्फ आगाज है, अंजाम बेहतरीन हो सकता है इस बात की उम्मीद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा वाराणसी का। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को योगी की अच्छी पहल जरूर बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कुछ छेद हैं, कई विसंगतियां हैं। मुख्यमंत्री योगी का कानून उस सवाल पर मौन है जो 4 शादियों से 14 बच्चे पैदा करते हैं। अगर उनके पास नागरिकता होगी, आधार कार्ड होगा, मतदाता परिचय पत्र होगा, तो अपने संख्या बल के दम पर आज नहीं तो कल वो ही इस लोकतांत्रिक प्रदेश और देश के शासक होंगे। उनको नौकरी और सरकार की योजनाओं का लाभ और सुविधाएं नहीं चाहिए, फिर इनके लिए क्या प्रावधान है ये स्पष्ट करे सरकार। सोमवार को तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मिलने पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने उनसे नई जनसंख्या नीति पर भी चर्चा करी है। इसके बाद वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करते नजर आए। चर्चा में उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में हो रहे तेजी से जनसंख्या विस्फोट कई प्रमुख समस्याओं का कारण भी है, इसलिए बेहद जरूरी है कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। तो वहीं नई जनसंख्या नीति का मुस्लिम धर्म गुरुओं के विरोध को लेकर महंत नरेंद्र गिरी ने ऐतराज जताया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक अंतिम दिन चित्रकूट के विकास को लेकर के चर्चा हुई। संघ ने बुंदेलखंड राज्य बनाने को लेकर के भी मंथन किया है। आपको बता दें चित्रकूट को उसकी राजधानी बनाने पर जोर देने की बात भी सामने आई। बैठक से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य से मुलाकात करी थी। इसमें जगतगुरु ने चित्रकूट के विकास को लेकर के भी चर्चा करी है। संघ प्रमुख से कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में चित्रकूट की बसें होने के चलते इसका विकास नहीं हो रहा है, इसको किसी एक प्रदेश में शामिल कर दिया जाए या पृथक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो जाए, नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश ही बन जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर चित्रकूट से संजय साहू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बुंदेलखंड, अलग बुंदेलखंड बनाने की मांग एक बार फिर से प्रखर हुई है, चित्रकूट को राजधानी बनाने की बात सामने आई है। बिल्कुल पूजा, देखिए बुंदेलखंड को आज से नहीं कई दशकों से मांग की जा रही है कि इसको अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो यही भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग ही यहाँ पर कहा करते थे कि बुंदेलखंड को अलग दे दिया जाए, अलग दर्जा दे दिया जाए। यहाँ के बुंदेलखंड के जो वो है राजा बुंदेला, वो भी कई बार मांग उठा चुके हैं। वो चित्रकूट आते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कब आपकी सरकार है, दोनों जगह दोनों राज्यों में आपकी सरकार है, उसके बाद भी बुंदेलखंड अब अलग क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो भी इस बात से जवाब नहीं दे पाते हैं पूजा। और साथ ही दर्शकों को हम ये बता दें कि बुंदेलखंड की मांग को लेकर जगत गुरु और तुलसी पीठाधीश्वर जो पद्म भूषण से सम्मानित है और मोदी के नवरत्नों में गिने जाते हैं, वो भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से इसकी चर्चा कर चुके हैं और कहा है कि अगर राजधानी चित्रकूट बन जाए तो इस क्षेत्र का समुचित विकास हो जाए और जो मध्य प्रदेश के हिस्से में चित्रकूट का जो हिस्सा है, जो दर्शनों के केंद्र है, वहाँ इसको मिला दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश इसका सर्वांगीण विकास कर सके। इसके अलावा ही संघ प्रमुख का जो आखिरी दौरा है आज और 8वां दिन है, उसके बाद उन्होंने हम दर्शकों को अपने कंटिन्यू लगातार बताएंगे कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर उनका कार्यक्रम रहा पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।
बहराइच के कैसरगंज थाने के एक गांव में एक किशोरी का तीन युवकों ने अपहरण करते हुए सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया है। दुष्कर्म के बाद उसे बोरी में भरकर पास के ही दूसरे गांव में एक व्यक्ति के बरामदे में फेंक दिया गया। होश में आने पर पीड़िता ने परिजनों को अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करी, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी सुजाता सिंह ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी हासिल करी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में पीड़िता की मां तहरीर पर थाने में अपहरण, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एसएचओ ने बताया कि एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि दो युवक अभी भी फरार है। हर साल सावन के पावन महीने में होने वाले कांवड़ यात्रा पर इस बार घमासान मचा हुआ है, ये ऐसा क्यों है? हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर के अपना रुख साफ किया था। उन्होंने कहा कि रोक जरूर लगी हुई है, लेकिन हर संभावित संभावनाओं पर हम विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पदाधिकारियों को कह दिया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा संपन्न करवाई जाए। इसके बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अब जो है दखल दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को टाल देना चाहिए और इस बाबत आईएमए ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी भी लिखी है। आईएमए ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से कहा कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, कांवड़ यात्रा की इजाजत ना दें, ये वाजिब नहीं होगा, जबकि कोविड की तीसरी लहर का खतरा अभी भी टला नहीं है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपको बता दें कि हंसलिंग, राजरंभा, पंचाशुली और नागेश्वर, नाग निधूरा, मल्ला जोहार और इसी तरीके के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बर्फबारी हुई। वहीं मूसलाधार बारिश ने हल्द्वानी और कैची धाम क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई है। लोगों के अनुसार कैची धाम क्षेत्र में बादल फटने से ये तबाही हुई है, जबकि प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में बादल नहीं फटा। डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया कि तेज बारिश से सड़कों और मंदिर में मलबा जरूर घुस गया है, प्रशासन ने टीमों को मौके पर रवाना कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरजीत कंबोज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अरजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि मलबा जम गया है, कैंपटी फॉल के लिए भी अब लोगों को रोक दिया गया है, सैलानियों को मना किया जा रहा है कि वहां पर ना जाएं। दूसरी तरफ डीएम का बयान है, वो कह रहे हैं बादल नहीं फटा है, हाँ स्लाइड की वजह से मलबा जरूर चला गया है, मंदिरों में और शहर में दाखिल हुआ है। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात इस वक्त की जाए तो मूसलाधार बारिश पूरे प्रदेश भर में लगातार हो रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी किया था, अगले 2 से 3 दिनों तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और इसी का कारण है कि कई पर्यटक स्थलों पर मलबे के साथ तेज पानी भी आता हुआ नजर आया है। चाहे फिर वो मसूरी स्थित कैंपटी फॉल की बात हो या फिर नैनीताल के कैंची धाम की बात हो, सभी जगहों पर काफी मलबा आने से पर्यटकों के लिए दिक्कतें हुई हैं, तो कहीं वहीं पर शासन प्रशासन को भी आवाजाही को लेकर तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते शासन की तरफ से खास तौर पर जो डीएम से सभी को एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी पर्यटकों की आवाजाही है उसको नियंत्रित करने का काम अब जिला स्तर पर डीएम करेंगे और उसके बाद स्थिति कैसी होगी इसका आकलन किया जाएगा। अगर मसूरी कैंपटी फॉल की बात की जाए तो देर रात का ये वीडियो सामने आया है जिसमें काफी मलबा कैंपटी फॉल और जो आसपास की दुकान है उनमें भरता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2 बजे करीब का ये वीडियो है जिसमें काफी मलबा आया है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना था कि ये बादल फटने जैसी घटना हुई है कैंपटी फॉल की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर, लेकिन प्रशासन की टीम ने जब जांच के बाद साफ कर दिया है कि बादल नहीं फटा है, जो तेज बारिश हो रही है उसकी वजह से भारी मलबा कैंपटी फॉल में नजर आया है। इसी तरह का कुछ वाक्य कैंची धाम पर भी हुआ जहाँ पर इस तरह की दिक्कतें सामने आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जनता टीवी की आपसे अपील है कि इस समय मौसम का अलर्ट जारी है, ऑरेंज अलर्ट जारी है और हमारी अपील आपसे कि जो खतरे वाले स्थान है वहां पर मत जाइए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।